आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन माना जाता है, क्योंकि आज के ही दिन पुलवामा हमले में देश के 40 जांबाज शहीद हो गए थे। आज पुलवामा अटैक की तीसरी बरसी है। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में CRPF का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। CRPF का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही एक कार ने CRPF के काफिले के साथ चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही SUV जवान के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में CRPF के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और जवानों के शरीर के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुटे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और घायल जांबाजों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। जवानों का काफिला जम्मू स्थित चिनानी रामा ट्रांसिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकला था। तड़के चले जवानों को सूरज डूबने से पहले श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम स्थित ट्रांसिट कैंप में पहुंचना था। यह सफर करीब 320 किलोमीटर लंबा था और सुबह 3:30 बजे से जवान सफर कर रहे थे। 78 बसों में से 2500 जवानों को लेकर काफिला जम्मू से रवाना हुआ था, लेकिन पुलवामा में ही जैश के आतंकियों ने इन जवानों को निशाना बना दिया, जिसमें कई जवान शहीद हो गए। जवानों के इस काफिले में कई जवान छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर वापस लौटे थे। वहीं बर्फबारी की वजह से जो जवान श्रीनगर जाने वाले थे, वो भी इसी काफिले की बसों में सवार थे। जैश सभी 2500 जवानों को निशाना बनाना चाहता था। जैश ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली थी। हमले के बाद CRPF अधिकारी की ओर से इस हमले के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उस समय बताया था कि काफिले में करीब 70 बसें थीं और इसमें से एक बस हमले की चपेट में आ गई। काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि आतंकी घटना जैश ने टेक्स्ट मैसेज भेजकर हमले की जिम्मेदारी ली थी। जैश ने यह मैसेज कश्मीर की न्यूज एजेंसी GNS को भेजा था। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।